12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल सवाल है। मैं सबसे पहले इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये सवाल आ रहा हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, आप अपना समय व्यर्थ ना करें। और यदि ये सवाल आपको नहीं समझ में आता है, आप इसे नहीं कर पाएंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नाते यदि आप इस सवाल को कर सकते हैं तो वीडियो ना देखें, यदि नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छे तरीके से समझ लें। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है सिद्ध करने के लिए कि पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी आप सिद्ध करो, और कभी कभी सिद्ध करने के लिए नहीं देता है, दे देगा ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। और यह सवाल कई बार एग्जाम में आया, लगातार लगभग 7 साल ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं शुरू करता हूँ इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया। यदि सिद्ध करने के लिए इस तरीके से आया है तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और सिद्ध करने के लिए नहीं आया है, केवल आया मान ज्ञात करने के लिए, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेना है, आपको सॉल्व करना है। मैं इस कंडीशन में इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट जीरो एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको सोचना है कि इसमें कौन सा रूल हम लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे i के बराबर, इसको हम मान लेंगे किसके बराबर, i के, i मतलब इंटीग्रेशन, और इसको मान लेंगे कंडीशन नंबर वन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, प्रगुण चार से प्रगुण चार लगाएंगे, प्रगुण फोर से, प्रगुण फोर क्या है, अपर लिमिट में से ये एक्स को माइनस करना है, यहाँ पर तीन जगह पर एक्स है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तीन जगह पर है, तो तीनों एक्स की जगह पर आप क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स लिख देंगे। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, आई इक्वल टू अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट जीरो पाई माइनस एक्स होल अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। इसमें प्रगुण चार लगाया जा चुका है, ठीक है ना। डी एक्स यहाँ लिख दें चाहे यहाँ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यदि हम इसका फार्मूला लगा देंगे तो नीचे वाला कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर होने के नाते प्लस हो जाएगा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये स्क्वायर है तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। चलिए एक लाइन और इसको कर लेते हैं, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट जीरो, ऊपर रहेगा पाई माइनस एक्स, नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कंडीशन नंबर दो हो गया। अब जब हम प्रगुण चार लगाते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम जोड़ते हैं, हम जोड़ कर ही इसका आंसर प्राप्त करते हैं। किसको किसको जोड़ना है, कंडीशन वन और कंडीशन टू को जोड़ देना है, यानी संबंध एक प्लस दो से, संबंध एक प्लस दो से। जब एक और दो को जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर आई, यहाँ भी आई, आई में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा टू आई, और इधर देख सकते हैं आप इसका एलसीएम और इसका एलसीएम दोनों का हर एक समान है, इस नाते दोनों का एलसीएम एक ही हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और अंश को जोड़िए, इसका अंश प्लस इसका अंश, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर लिमिट वगैरह जो लिखा था वो मैं लिख दूंगा पाई, और यहाँ पे जीरो, और यह डी एक्स ऐसे आ जाएगा, डी एक्स को नहीं जोड़ा जाएगा, डी एक्स को जोड़ने की बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू आई इक्वल टू अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट जीरो, यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा तो पाई अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। पाई को यहाँ कर देंगे, दो का इधर पक्षांतर कर देंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू पाई बाई टू
इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट जीरो वन अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करना है, यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देना है, तो हो जाएगा आई इक्वल टू पाई बाई टू अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट जीरो। जब वन में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ भाग हो जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर भाग देंगे तो टेन स्क्वायर हो जाएगा यानी बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि अब आगे क्या करना है। अब आगे आपको बी टेन एक्स इक्वल टू मान लेना है, बी टेन एक्स इक्वल टू मान लेना है टी मान लेना है, ठीक है ना। तो टी मानेंगे आप यहाँ पर, या ए स्क्वायर से भाग दे दीजिए आप, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कॉमन लेके किनारे निकाल लीजिए तो ए स्क्वायर से भाग दे दीजिए। चलिए जैसा आपको समझ में आए। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ही ले लेते हैं, आई इक्वल टू पाई बाई टू वन अपान ए स्क्वायर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट जीरो सेक स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा वन प्लस बी अपान ए टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। बिल्कुल आप इसको समझ रहे होंगे, ये वाला स्टेप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इसको हम टी मान लेते हैं, बी अपान ए टेन एक्स को टी मानते हैं, ठीक मान लिया बी अपान ए टेन एक्स बराबर टी। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो बी अपान ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा क्या चीज़ डी टी। बी अपान ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो जब बी अपान ए टेन एक्स बराबर टी आपने मान लिया है, अवकलन करने पर यह चीज़ आ गया और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा ए अपान बी डी टी, ए अपान बी डी टी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना फिर से, हम इसका लिमिट चेंज करेंगे। अपर लिमिट हमारा पाई था, लोअर लिमिट जीरो था। तो जब एक्स बराबर पाई तब टी और इंटीग्रेशन का चिन्ह है, एक्स का मान पाई पर टी का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट ऊपर आ जाएगा और एक्स का मान जीरो रखने पर टी का मान जीरो, तो जीरो वाले लिमिट पर जीरो हो गया और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर, यहाँ पर जो डी एक्स है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर रखना है आपको ए अपान बी डी टी, ए अपान बी डी टी। और यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ तो वन था, वन यहाँ है वन प्लस इसका वैल्यू बी अपान ए टेन एक्स का हो जाएगा टी टी स्क्वायर, ठीक है। आई इक्वल टू हो गया पाई अपान टू ए स्क्वायर इंटू ए अपान बी इंटीग्रेशन का अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट जीरो वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है टेन इनवर्स टी का। तो आई इक्वल टू हो गया, यहाँ ए से ए कट जाएगा, पाई अपान टू ए बी हो गया और ये कोष्टक के अंदर ये किसका फार्मूला टेन इनवर्स टी का, टेन इनवर्स टी। और ये अपर लिमिट यहाँ लिखेंगे, लोअर लिमिट यहाँ लिखेंगे। अब दोनों लिमिट को पुट करेंगे इसके अंदर तो आई बराबर जाएगा पाई अपान टू ए बी, सॉरी टेन इनवर्स इनफाइनाइट का मान हो जाएगा पाई, केवल पाई होगा, केवल पाई। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान टू ए बी, पाई स्क्वायर अपान टू ए बी। तो इस तरीके से सिद्ध किया जाएगा। और थोड़ी बहुत त्रुटि इस सवाल में इस वीडियो के अंदर रह गई हो तो आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा, बाकी सवाल को हल करने का प्रोसीजर यही है।